पीआईए का बोइंग 777 तैयारा कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मकामी हुकाम ने कब्जे में ले लिया है। आपको बताएं कि तैयारे की लीज के वाजिबात अदा ना करने पर मलेशिया में पीआईए का तैयारा कब्जे में ले लिया गया है। पर बता दें, कंगाल पाकिस्तान पर मलेशिया की बड़ी कार्रवाई है। मलेशिया ने पाकिस्तान का एक विमान सीज कर दिया है और वो भी कर्जा नहीं चुकाने के कारण ऐसा हुआ है। बता दूं कि मलेशिया ने कार्रवाई की है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस वक्त कंगाल हो चुका है, पाई पाई को मोहताज है। यात्री विमान को जब्त किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान लीज पर लिया गया था। तब सोचिए कि यात्री और चालक दल सवार थे उसमें। बेहद बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है, उन्हें बेइज्जत कर उतारा गया है। कर्जा नहीं चुकाया गया था, लीज पर लिया गया ये विमान था और उसके बाद उसे बेइज्जती झेलनी पड़ी है। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान किस हालत में है। मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी विमान कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक यात्री विमान को जब्त कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह विमान लीज पर लिया गया था और पैसे नहीं चुकाने पर विमान को जब्त कर लिया गया है और विमान से यात्री और चालक को बेइज्जत करके उतार दिया गया है। इससे पहले सऊदी अरब ने इमरान खान सरकार से अपने $3 अरब वापस मांग लिए थे। इमरान सरकार ने चीन से लोन लेकर सऊदी अरब का लोन चुकाया था। पाकिस्तान में फर्जी पायलट लाइसेंस का मामला सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वह किसी भी नए पायलट को जारी किया गया हुआ लाइसेंस तुरंत रद्द कर दे और मामले की जांच पूरी करे। इस मुद्दे के बाद दुनिया के कई हवाई अड्डों, एयरलाइंस और एयर सेफ्टी एजेंसियों ने पीआईए के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। यह पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी का कारण बना है और इसे वैश्विक सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। इस मामले में अब तक पाकिस्तान के 50 पायलटों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और 32 पायलटों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।